हेलो गाइस, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज रियलमी ने अपना नया TWS ईयरफोन रियलमी बड्स 8 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इस ईयरफोन को कंपेयर करने वाला हूँ वन प्लस के TWS ईयरफोन वन प्लस बड्स के साथ, और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, Realme के ईयरफोन में फुल इन ईयर स्टाइल डिजाइन दिखने को मिल जाती है, जहां पर 10mm का डायनामिक ड्राइवर दिखने को मिलता है। और दोस्तों, OnePlus के ईयरफोन में हाफ इन ईयर स्टाइल डिजाइन दिखने को मिल जाती है, जहां पर 13.4mm का ड्राइवर दिखने को मिलता है। Realme ने कहा है कि उनके ईयरफोन 25 hours का बैटरी बैकअप देने वाले है केस के साथ, और OnePlus ने कहा है कि उनके ईयरफोन 30 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाले है केस के साथ। और दोस्तों, दोनों ही ईयरफोन्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिखने को मिल जाता है। रियलमी ने कहा है कि उनके ईयरफोन्स को अगर हम 10 मिनट तक चार्ज करेंगे तो उनके ईयरफोन्स 3 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाले हैं। और OnePlus ने कहा है कि उनके ईयरफोन्स को अगर 10 मिनट तक चार्ज करोगे तो उनके ईयरफोन्स 10 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाले हैं। और दोस्तों, दोनों ही ईयरफोन्स में IPX4 की रेटिंग दिखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आप इन दोनों ईयरफोन्स को वर्ल्ड कप करते समय भी पहन पाओगे। और दोस्तों, दोनों ही ईयरफोन्स में ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी दिखने को मिल जाती है। रियलमी बड्स 8 प्रो में ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिल का सपोर्ट दिखने को मिलता है। OnePlus Buds में ANC का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पर ENC यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट दिखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर आप Realme Buds Air Pro में कंटिन्यू ANC यूज करोगे तो ये ईयरफोन्स 20 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाले है, जो कि बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है ANC यूज करते हुए। और दोस्तों, दोनों ही ईयरफोन्स में गेमिंग करते समय कोई लेग ना हो, इसके लिए दोनों ही ईयरफोन्स में लो लेटेंसी का सपोर्ट दिखने को मिलता है। OnePlus के ईयरफोन में 110 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिलती है, Realme के ईयरफोन में 94 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिलती है। यानी कि अगर आपको गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन चाहिए तो Realme ईयरफोन्स आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लो लेटेंसी बहुत ही कम दिखने को मिलती है। और दोस्तों, Realme के ईयरफोन्स में 2 color options अवेलेबल है, और ये दोनों कलर्स है ब्लैक एंड व्हाइट कलर। OnePlus के ईयरफोन में 3 color options अवेलेबल है, और ये तीनों कलर्स है ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू कलर। और दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स की प्राइस के बारे में। तो OnePlus के ईयरफोन्स की प्राइस है 4,990 rupees, Realme के बड्स की प्राइस है 4,999 rupees। और दोस्तों, Realme के ईयरफोन अगर आप दिवाली से पहले या फिर दिवाली तक खरीदोगे तो आपको ये ईयरफोन्स 4,499 rupees में मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कौन सा ईयरफोन लेना चाहिए इन दोनों TWS ईयरफोन्स में से। तो दोस्तों, आपको लेना चाहिए Realme बड्स 8 प्रो, क्योंकि 5,000 rupees में इस ईयरफोन में हमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट दिखने को मिल जाता है। और दोस्तों, Realme के ईयरफोन में और भी बहुत अच्छे फीचर्स दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको लेना चाहिए Realme Buds Air Pro। अगर आप OnePlus के ईयरफोन लेने की सोच रहे थे तो आपके पास OnePlus का फोन होगा तो ही आपको जेस्चर सपोर्ट अच्छी तरह से मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरा फोन यूज करते हो तो आपको जेस्चर्स का सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा OnePlus के ईयरफोन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो OnePlus Buds वर्सेस Realme Buds Air Pro के बारे में। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।